दोस्तों, हम सभी अलग अलग मौसम और काम के अनुसार अपने कपड़ों का चयन करते हैं। क्या तुम सर्दी, गर्मी, बरसात आदि में कुछ खास तरह के कपड़े पहनते हो? किसी शादी और त्योहारों पर, स्कूल जाने पर या खेल कूद में हमारी पोशाक उसके अनुसार होती है। अक्सर तुमने कपड़े से पोशाक बनने की प्रक्रिया अपने आसपास देखी होगी, पर क्या जानते हो कि ये कपड़ा कैसे और किससे तैयार होता है? आओ पता करें। ये हैं कपास के फूल, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। हाँ, इन्हीं सफेद कोमल फूलों से बनाए जाते हैं हमारे कपड़े। देखो कितने महीन हैं इनके रेशे। पता है, इस एक फूल में लगभग 4000 रेशे होते हैं। हैरान हो गए ना? सबसे पहले कपास के पौधों से कपास को चुनकर इकट्ठा किया जाता है। अब इस ढेर से कपास यानी रुई को अलग किया जाता है और अच्छे से इसकी सफाई की जाती है। पता है, रुई की सफाई करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसकी छटाई करने वाले लोग अपने मुंह व नाक को अच्छे से ढकें, ताकि रुई के महीन रेशे उनके मुंह व नाक में न जाएं, जिससे उन्हें सांस की बीमारियां न हों। सफाई करने के बाद रुई से सूत बनता है। इसी सूत से बनता है धागा। धागों की लड़ियों को साफ पानी में उबाला जाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब इन धागों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। इसे हम डाई करना भी कहते हैं। डाई करने के बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। आजकल तो कारखानों में मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। सोच सकते हो कि जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब कपड़ा कैसे बुना जाता होगा? करघे द्वारा। करघा कपड़े बुनने की एक ऐसी मशीन है जिस पर हाथ से कपड़ा बुना जाता है। करघों पर सुइयों द्वारा सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और कारखानों में कई मीटर कपड़ा मशीनों द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो कैसा लगा ये कपास से कपड़ा बनने तक का सफर?